दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, यहाँ तक कि प्यार में कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी और शक्ल सूरत भी कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए अनुभवी लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, जबकि सच मानो तो प्यार अंधा होने के साथ साथ बहरा भी होता है। लेकिन हर एक काम का एक सही समय होता है, क्योंकि समय के पहले किया गया काम या समय के बाद किया गया काम हमेशा निराशा ही देता है। चलो बताते हैं कि किस उम्र का प्यार सबसे बेहतर होता है और क्यों। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों टीन एज एक वो उम्र होती है जिसमें लोग अपनी इच्छाओं और इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी कि इसी उम्र पर उनके बिगड़ने और फिसलने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। जबकि यही वह उम्र होती है जब हर किसी को अपने भविष्य की नींव रखनी पड़ती है, और यदि इस उम्र पर रखी गई नींव कमजोर रह गई तो आप सारी उम्र चाहे जितनी मेहनत करें लेकिन आपका भविष्य हमेशा खतरे में ही रहेगा। नंबर 1, दोस्तों चाहे आप जिस एंगल से देख लें, 25 से 30 वर्ष के बीच की उम्र प्यार करने की सबसे बेहतर उम्र होती है, क्योंकि 25 से 30 वर्ष की उम्र तक अक्सर लड़के लड़कियां अपनी लाइफ में सेटल हो चुके होते हैं। यहां तक कि जिसे अपना करियर बनाना होता है वो लगभग 30 वर्ष की उम्र तक इस काम में सफल हो चुके होते हैं। इसके अलावा 30 वर्ष की उम्र तक अक्सर लोग सभी तरह के अन्य कामों से उबर कर अपने जीवन साथी या पार्टनर की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। सेकंड नंबर, दोस्तों 30 वर्ष की उम्र तक अक्सर लोगों को जिम्मेदारी भी समझ आ चुकी होती है। इतना ही नहीं, इस उम्र पर अक्सर लोग घबराए बिना आराम से चीजों को मैनेज कर लेते हैं। वहीं 90% से ज्यादा लड़के लड़कियां 30 वर्ष की उम्र के बाद ही प्यार को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। वैसे तो आजकल के ज्यादातर लड़के लड़कियां कम उम्र से ही प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ खो देते हैं। वहीं टीनेज में प्यार करने वाली लड़के लड़कियों में अपना अच्छा बुरा समझने की क्षमता भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में गलतियां हो जाना स्वाभाविक होता है। इतना ही नहीं, कम उम्र के प्यार का न तो कोई स्थायित्व होता है न ही कोई अनुभव होता है, यानी कि इस उम्र पर ठीक से प्यार करने की क्षमता भी विकसित नहीं हो पाती। जबकि 25 से 30 वर्ष की उम्र में प्यार को समझने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। थर्ड नंबर, दोस्तों 25 से 30 वर्ष की उम्र पर ठीक से पता चल चुका होता है कि प्यार क्या होता है, कैसे किया और दिया जाता है, यहाँ तक कि अपने प्रेमी प्रेमिका को प्यार का एहसास कैसे कराना है। इतना ही नहीं, इस उम्र पर मैच्योरिटी भी पूर्ण रूप से आ चुकी होती है। जबकि कम उम्र पर प्यार करने वाले लड़के लड़कियां अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, वहीं 25 से 30 वर्ष की उम्र के लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, दोस्तों 25 से 30 वर्ष की उम्र पर अक्सर लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से मैनेज करना सीख चुके होते हैं। घर परिवार प्यार बच्चे सबकी समझ भी आ चुकी होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।